नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। और दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो स्कॉर्पियो लवर्स के लिए है। स्कॉर्पियो की जो फैन फॉलोइंग है इंडिया के अंदर बहुत बड़ी है। और आप जैसा कि सब जानते हैं कि 2022 के थर्ड क्वार्टर के अंदर जो है महिंद्रा इस गाड़ी को इंडियन मार्केट के अंदर पूरी तरीके से लॉन्च कर देगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है इम्पोर्टेंट इसलिए है, जो भी लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं या जो लोग इस गाड़ी का वेट कर रहे हैं और इसके नए वर्जन को परचेज़ करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं जो टॉप 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी को खास बनाती हैं और भी, तो उनके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन। तो जैसा कि एक्सटीरियर में आप सब लोग जानते हैं कि पहले से ये गाड़ी वाइडर और लॉन्गर होने वाली है। इसका व्हील बेस भी बड़ा होने वाला है। इसमें नए टाइप के आपको अलॉय व्हील्स महिंद्रा देगा। इसमें जो बैरल हेडलाइट्स है वो आपको दी जाएंगी। पीछे की टेल लाइट्स जो है वो आपको LED दी जाएंगी। और एक्सटीरियर जो इसका लुक है गाड़ी का बिल्कुल चेंज होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंटीरियर डिज़ाइन की। दोस्तों, न्यू स्कॉर्पियो का जो इंटीरियर है बहुत ही ज़्यादा अप मार्केट होने वाला है। बिल्कुल प्रीमियम फीलिंग आपको इस गाड़ी के अंदर आने वाली है। और जैसे कि एक नज़र में अगर आप देखते हैं इसका इंटीरियर, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपको लगने वाला है। इसके इंटीरियर की एक खास बात यह है कि इसका जो थीम है वो आपको एक ब्लैक चॉकलेट कलर के अंदर मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा इस गाड़ी को बनाता है। तीसरा है फीचर्स। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर जो है आपको एक टच स्क्रीन मिलने वाला है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो और एलेक्सा को सपोर्ट करेगा। साथ में इसमें आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन, इसमें आपको MID जो है फुली डिजिटल मिलने वाला है। इसके अंदर मल्टीपल एयरबैग्स मिलने वाले हैं। ABS का फंक्शन इसमें होगा। EBD इसमें आपको ऑफर किया जाएगा। ESP इसके इस गाड़ी के अंदर महिंद्रा आपको ऑफर कर। साथ में इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा और पार्किंग सेंसर्स भी आपको इस गाड़ी के अंदर महिंद्रा ऑफर करने वाला है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इस गाड़ी के अंदर महिंद्रा आपको ADS का जो फंक्शन है वो ऑफर नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके पावर ट्रेन ऑप्शंस की। तो ये जो गाड़ी है आपको दो इंजन ऑप्शंस के अंदर मिलेंगी। एक 2 लीटर का जो है पेट्रोल इंजन मिलेगा आपको, और एक 2.2 लीटर का MHOG डीजल इंजन जो है बिल्कुल नए तरीके से रिफाइन करके महिंद्रा इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर करने वाला है। यह गाड़ी 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ महिंद्रा बाजार में उतारने वाला है। बेस मॉडल में दोस्तों आपको ये रियर व्हील ड्राइव मिलेगी, और जो टॉप मॉडल है वो आपको 4x4 के अंदर भी महिंद्रा इस गाड़ी के अंदर ऑफर करने वाला है। अब इसके प्राइस और लॉन्चिंग और राइवल्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, लगभग 11.5 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस से इस गाड़ी की जो कीमत है वो स्टार्ट होगी। और मार्केट में इसके जो राइवल्स रहेंगे वो रहेंगे अपने टाटा की सफारी, हुंडई की एल्काज़र और MG की हेक्टर प्लस, फॉक्सवैगन की टाइगून और स्कोडा की कुशाक से इसका डायरेक्टली मुकाबला मार्केट में होने वाला है। अब लॉन्चिंग की अगर बात करें तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा अनुमान है कि 2022 के थर्ड क्वार्टर के अंदर महिंद्रा इस गाड़ी को पूरी तरीके से इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देगा। चैनल के ऊपर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। वंदे मातरम, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।